पाठ 11 अविकारी शब्द। जिन शब्दों से विकार उत्पन्न होते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें वचन, लिंग, काल के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: खरगोश तेज दौड़ता है, प्रज्ञा जल्दी जल्दी खाना खा रही है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, कौवा पेड़ पर बैठा है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, करण यहीं बैठकर पढ़ो, इधर उधर मत जाओ, महिला पेड़ के नीचे बैठी है। इन वाक्यों के बाहर यहीं, इधर उधर और नीचे क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने या क्रिया करने का समय पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह हमेशा रोता रहता है, मैं स्कूल से अभी आया हूँ, मैं रोज व्यायाम करता हूँ। इन वाक्यों में हमेशा, अभी, रोज शब्दों से क्रिया के काल या समय का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, हरदीप ध्यान पूर्वक पढ़ता है। धीरे धीरे, तेज, ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में दूध आधा भरा है, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, कम बोलो। इन वाक्यों में आधा, थोड़ा, खूब, कम शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं। अतः शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हमने सीखा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक। घर के आगे कार खड़ी है, अमर की अपेक्षा अर्जुन अधिक बुद्धिमान है, संसद भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। इन वाक्यों में के आगे, की अपेक्षा, के ऊपर शब्द पर अमर, संसद भवन तीनों संज्ञा शब्दों के पश्चात आए हैं और इनके बाद में आने वाले क्रमशः कार, अर्जुन और तिरंगा शब्द भी संज्ञा है। संज्ञा के बाद आकर इन शब्दों ने वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ इनके संबंध को बताया है। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के नाम आकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। नम्रता माँ के साथ बाजार गई। मेरे घर के सामने टीना का घर है। अक्षिता ने संगीता के लिए सेब खरीदा। बस्ते के अंदर पुस्तक है। के साथ, के सामने, के लिए, के अंदर आदि शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं।
ये शब्द मूलतः दो संज्ञा या सर्वनाम रूपों के मध्य संबंध का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। समुच्चय बोधक। सुमन और रोजी बातें कर रही हैं। मेरे पेट में दर्द है, इसलिए खाना नहीं खाऊंगा, चाहे बल्ला ले लो चाहे गेंद। इन वाक्यों में आए शब्दों और इसलिए तथा चाहे पर ध्यान दीजिए। ये शब्द या तो दो शब्दों को, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को मिला रहे हैं। इन शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द हैं, लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, ताकि, जो कि, मगर, एवं, पर, तो, अन्यथा, अथवा, आदि। विस्मय आदि बोधक। शाबाश, इसी तरह सफल होते रहो। छी, कितनी गंदगी है। वाह, क्या छक्का मारा है। इन वाक्यों के रंगीन शब्द किसी न किसी मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। शाबाश, प्रशंसा, छी, घृणा तथा वाह, हर्ष के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं। जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक भाव और शब्द। भाव शब्द। विस्मय, ओह, अहो, ऐ, क्या, है, अरे। हर्ष, अति सुंदर, आह, वाह। शोक, बाप रे, त्राही त्राही, हाय, ओह। घृणा, दूर, धिक, छी छी, छी, हट। विशेष, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में होता है, जैसे संज्ञा राम राम, ऐसा भी होता है। सर्वनाम, क्या दिनेश प्रथम आया। विशेषण, अच्छा अब तुम घर जाओ। क्रिया, उठो जाकर पढ़ो।